Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Atri and I hope you all are doing pretty well in my lives. So guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. So as from the title, you know this one is going to be a Meesho haul. And this was my first time ever that I have shopped from Meesho. I have shopped a few items जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. So वीडियो शुरू करने से पहले, if you like this video, make sure to like this one, comment and subscribe. And now without any further ado, let's get started. All right guys, so मैंने finally अपना जो background है थोड़ा सा फिर से change कर लिया है. लाइटिंग्स जो है मैंने थोड़ी सी इसमें चेंज कर ली है. एंड अ स्पेशल थैंक्स गोज टू डियर वॉलेट, मधु फ्रॉम डियर वॉलेट. एंड मैं उनको चैनल लिंक कर दूंगी नीचे. दिस आइडिया वॉज टेकन फ्रॉम हर चैनल ओनली. उन्होंने एक ब्लॉग बनाया था तो आई हैव सीन दैट. ऑल्सो माई डियर फ्रेंड इजानी, आई ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम हर. तो यू नो बैकग्राउंड्स के बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप उसका चैनल भी चेक कर सकते हो. एंड या मेरी एक और फ्रेंड है, यूट्यूबर फ्रेंड है जो कि है फैशनिस्ता आमिया, तो उनसे भी मैं हेल्प लेती रहती हूँ. एंड फाइनली एक जो चीज़ है वो मैंने खुद से की है, वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी. तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके नाउ गाइज, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने लिया है मीशो से वो ये वाला टॉप है जो कि मैंने पहना हुआ है. आई डोंट नो, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा. ये वो रफल्स वाला टॉप है जो आजकल बहुत चला हुआ है लैवेंडर कलर में. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू यू नो पोस्ट फुल पिक, मेरी पूरी पिक आप देख लोगे. तो मुझे ये ना 250 में मिला था, क्योंकि मैं बताती हूँ बिकॉज आई वॉज शॉपिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो इसी वजह से मुझे उस पर थोड़ा ऑफ मिल गया. 239 समथिंग में ये टॉप मिला था जो कि मुझे लगता है सही है इसकी क्वालिटी. यू नो आपको सरोजनी वगैरह में भी ऐसा टॉप मिल जाएगा, बट वही 250 तक ही मिलेगा. तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी. इसका जो रफल है, डिटेलिंग है, ये भी बहुत अच्छा है. एंड एक्चुअली मुझे वैसे तो एक्सेल एल दोनों आ जाता है, एक्सेल थोड़ा सा लूज ही होता है, तो मैंने इसको एल में ऑर्डर किया था. बट इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है मेरे लिए. ये क्रॉप्ड लेंथ में आती है, वो आप वीडियो में डेमो में आगे देख लोगे. सो एक मुझे यही प्रॉब्लम लगी, अदरवाइज इसका जो फिट है वो भी बहुत सुंदर है. एंड आई रियली रियली लव, इसमें वो प्रिंसेसी वाइब आती है. सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड आई रियली लव द अमेजिंग क्वालिटी. इसका जो ये मटेरियल है, ये पूरा नेट का मटेरियल है. एंड इट्स रियली नाइस नेट. वो ऐसे चुभने वाला मटेरियल नहीं है जो होता है ना, तो वैसा चुभने वाला मटेरियल नहीं है. एंड काफी सही लगा मुझे इसकी क्वालिटी लाइक 250 के हिसाब से. सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स, नीचे कोड दे दूंगी. और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे अप्रोच किया था. ये तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं आजकल सबको देखती हूँ मीशो हॉल बनाते हैं, तो मैंने ये लिया था. काफी मैं फिर से वही बता रही हूँ कि काफी अच्छा लगा. मैं आपको थोड़ा सा इसका फिट दिखा देती हूँ. ये इस तरीके से रफल टाइप में आता है. फुल लेंथ भी मैं लगा दूंगी, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं ये. सो दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड आई रियली लव द क्वालिटी. आई मीन इफ यू आर थिंकिंग टू बाय दिस, अगर आपको बाहर में नहीं पहनना है, वीडियो में पहनना है, या बस सब लोग तो यूट्यूबर नहीं होते, या यू नो कहीं जाना नहीं है, फिर भी आप इसको पहन सकते हैं. और ये ज्यादा बिल्कुल हल्का पतला मटेरियल है, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी इसमें. एक तो एसी भी नहीं चल रहा है, फैन भी नहीं चल रहा है, और इतनी सारी लाइट्स है मेरे मुंह के सामने, तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है. तो नेक्स्ट वाला जो टॉप है वो कुछ इस तरीके से है. एक्चुअली मैंने ये निधि के चैनल पे देखा था, या ये है नेक्स्ट टॉप, एंड मुझे काफी अच्छा लगा. लेकिन उनका जो मटेरियल था वो थोड़ा पॉलिएस्टर टाइप का था, लेकिन ये जो है ये रेयन में है. गाइज हमेशा मेक श्योर करना कि नीचे ना सारे डिटेल्स चेक कर लो, उसके अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी. काफी शीन की तरह ही वो वेबसाइट है, उसके अंदर आपको साइज मिल जाएगा, कौन सा मटेरियल मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से प्लीज चूज करना. तो मैंने ये पोलका डॉट वाला चूज किया था, तो ये बहुत ही सुंदर है. ऐसी डिटेलिंग है इसकी आगे से, तो अगर आपकी हैवी हैवी ब्रेस्टेड हो आप, या फिर आपको थोड़ी दिक्कत होती है राउंड नेक नहीं पहनना है, तो यू नो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. एंड कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, गर्मी नहीं लगेगी. एंड ये बहुत ही अच्छा सा रेट्रो सा वाइब देता है. एंड एक और चीज है कि इसके आगे ये वाली डिटेलिंग भी है, ठीक है. और इसका जो बिल्कुल लेंथ है वो बहुत परफेक्ट है मेरे लिए. और ये वाला जो साइज है वो एक्सेल है, क्योंकि एल में ना थोड़ा सा छोटा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने एक्सेल मंगा लिया. तो हमेशा साइज को जरूर चेक करना. और ये मुझे काफी सही लगा. एंड प्राइस तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ जितने मैंने चीजें ली हैं
वो 500 के अंदर ही है, तो ये था मेरा नेक्स्ट स्टॉप। ओके नेक्स्ट अप अगेन, मैंने निधि के वीडियो में ये देखा था, तो आई थॉट यू नो लेट्स ऑर्डर दिस फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो वो है ये फ्लोरल सा टॉप, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा लूज टाइप का आया है, क्योंकि इसमें भी मैंने एक्सेल मंगाया था आई थिंक, क्योंकि मुझे लगा कि एल अगर मुझे नहीं आया या कोई यू नो कोई छोटा बड़ा हो गया, तो मैंने एक्सेल मंगा लिया इसमें। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो इस तरीके से पफ्ड स्लीव्स हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अगेन यहाँ पे ऐसे रूज टाइप की डिटेलिंग दी हुई है, एंड यू कैन सी दैट द ऑल्सो लेंथ इज ऑल्सो प्रिटी गुड। सो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक, एंड काफी समरी वाइब देता है। इसके अंदर और भी कलर्स थे, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ऑल द कलर्स कटिंग प्रोफ्यूजली। ओ माय गॉड, एनीवेज तो काफी अच्छा लगा। पीछे जो है इसकी ऐसे की होल टाइप की डिटेलिंग दी हुई है, एंड कपड़ा भी काफी ब्रीदेबल है, बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसकी कॉटन और आई थिंक रेयन मिक्स है, बहुत ही सॉफ्ट है गाइस छूने में, और बिल्कुल इरिटेशन नहीं लगेगी आपको। एंड या दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक। सो अगेन दिस वन इज ऑल्सो प्रिटी नाइस, प्रिटी गुड, मेरे पे बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये तो है ये थर्ड वाला टॉप। ओके गाइस, कमिंग टू द लास्ट वन, ये सबसे एक्सपेंसिव था, इन सब में से सबसे एक्सपेंसिव है ये। तो वो ये कुछ इस तरीके का टॉप है, हाँ इस तरीके का टॉप है। तो ये काफी पार्टी वेयर वाइब्स दे रहा है, तो आप इसको पार्टीज में भी पहन के जा सकते हो। एंड अगेन इसमें आपको पीछे इस तरीके से टैसल मिलता है, आप इसको पीछे या आगे कहीं भी फ्रंट कहीं पे भी आप टाई कर लो। एंड इसकी जो स्लीव्स है ना गाइज, वो इस तरीके की है, जैसे इसके अंदर ऐसे बेल स्लीव्स दी हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा रूज का डिटेलिंग भी है। एंड अगेन ये वैसे तो देखो बोट नेक टाइप का है, मतलब ज्यादा राउंड नहीं है, बोट नेक है एक्चुअली। एंड इस तरीके से पेपलम टाइप का बना हुआ है, अंदर बहुत ही अच्छी एक लाइनिंग भी दी हुई है। तो यू नो अगर आपको ये देखो शाइनी सा मटेरियल का लाइनिंग है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये अच्छा नहीं लगेगा और गर्मी नहीं लगती है, हाँ जॉर्जेट का टॉप है ये। अगेन मैंने इसमें एक्सेल ही मंगाया था, एंड ये इनका कुछ लगा हुआ है, हाँ तो वैसे तो ये 1299 का है, बट मैंने इसको 500 में ही खरीद लिया था। तो अगेन ये भी मुझे काफी वर्थ लगा, 500 के अकॉर्डिंग 450 टाइप का होगा आई थिंक। तो यू नो ये ही टॉप्स मैंने खरीदे थे एक्चुअली। आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद माय परचेज। मीशो पे आप रीसेल भी कर सकते हो, बट मैंने तो एक्चुअली अपने लिए ही खरीदा है सामान, तो आई एम रियली रियली सैटिस्फाइड। और जो प्राइसेस भी हैं काफी अच्छे प्राइसेस हैं, आपको बहुत सारे वैरायटी भी मिल जाती है। यही जो टॉप है इसको आपको देखोगे कि इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को सेल कर रहे हैं। सो प्लीज गो फॉर ऑथेंटिक वन। नीचे आप रिव्यूज जरूर पढ़ो, मैंने सारे रिव्यूज पढ़े थे तभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। और अगर आप पहली बार वहां पे बाय करते हो, तो वहां पे कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलता है, सो यू कैन यू नो डेफिनेटली चेक दैट। So that is about it. I hope you guys enjoyed, and comment करके बताना आपको कैसा लगा, कौन सा आपका फेवरेट है, और बैकग्राउंड कैसा लगा आप ये भी बताना। So 9 की खुशी में मैंने ये बैकग्राउंड सेटअप किया, and I'm so happy about this background ना, literally बहुत मेहनत और बहुत खर्चा किया है। लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, एंड मैं सोच रही हूँ कुर्ती हॉल भी कर दूँ। सो इफ यू गाइज इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक। एंड या दैट्स अबाउट इट गाइज, एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज टेक केयर, बाय।